Today we will revise chapter industrialization. This chapter will come in PT2 note in board exam. So you have to revise this chapter only for school papers. This time जो ये अभी paper आपके PT2 होने हैं, you will get questions from lesson industrialization. तो उसमें ये पूरा उतना ही important है जैसे कि Europe chapter आपके लिए important है, same as in these paper. This chapter is important, so learn and do thorough reading for the MCQ of this chapter. This chapter starts with Dawn of Century. Dawn of Century was published by E.T. Paul. ठीक है, फिर इसमें two magicians के बारे में भी बताया हुआ है, and two magicians में से Aladdin represent, इतना याद रखना, पूछा जाए Aladdin represent west, east, north, south. तो ईस्ट इंडिया है, तो इंडिया के लिए आपने याद रखना है ईस्ट एंड पास्ट. अलादीन रिप्रेजेंट ईस्ट एंड पास्ट, एंड जो मॉडर्न मैकेनिक उन्होंने शो किया रिप्रेजेंटेड वेस्ट एंड मॉडर्निटी. तो इस वजह से आपने इनको लर्न करना है. देन इसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, बिगनिंग है. इसके बाद आपका आ जाता है व्हाई मर्चेंट्स मूव टुवर्ड्स कंट्री साइड. तो दीज आर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. इसमें से अगर एमसीक्यू हम बनाते हैं तो ट्रेड गिल्ड्स मींस एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स. ठीक है, तो व्हाई वो क्यों गए थे, अगर आपको फोर ऑप्शंस दे के पूछा जाए व्हाई मर्चेंट्स मूव टुवर्ड्स कंट्री साइड, क्योंकि उनके घर थे वहां पे, क्या वो वहां पे ही उनको रॉ मटेरियल वाज अवेलेबल ओनली इन कंट्री साइड, या फिर देयर हाउसेज वर इन कंट्री साइड, या फिर इन टाउन्स हम कहेंगे कि मर्चेंट्स जो थे उनको अलोन ही किया जा रहा था. So that's why they moved towards, because in towns there were trade guilds were powerful and they did not allow merchants to trade in towns. So that's why merchants moved towards countryside. So which is correct? In town trade guilds were powerful. अगर lesson पढ़ा होगा तो you can give answer. ठीक है, next इसके बाद आ जाता है why people of countryside accepted the offers made by merchants. क्यों उन्होंने उनकी offers को accept किया, because आप बताओगे सबसे इसका मेन आंसर आपका यही बनेगा, बिकॉज दे कुड गेट टू काइंड्स ऑफ जॉब्स, उनको दो तरह की जॉब्स मिल गई. कुछ भी आ जाए, आपको पता है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुई थी, पीपल वर वेरी पुअर, दे वर इन सर्च ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ वर्क, सो दैट्स व्हाई दे एक्सेप्टेड द ऑफर्स मेड बाय मर्चेंट्स. अगर आपने टॉपिक पढ़ा तो यू कैन गिव आंसर. नेक्स्ट इज इसमें आपका आ जाता है फर्स्ट मिल जो सेटअप हुई थी वो ही इंग्लैंड में, दैट इज इन 1730 में इंग्लैंड में फैक्ट्री सिस्टम आया. आपको ये एक तो ईयर याद करना है, इन 1730 फैक्ट्री सिस्टम केम इन इंग्लैंड. फिर आपको ये भी याद रखना है मर्चेंट्स इन दोज डेज कवर्ड हाउ मेनी स्टेजेस, फोर स्टेजेस, एट ईच स्टेज हाउ मेनी वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज वर्कड अंडर मर्चेंट्स. तो आपने बताना है नियर अबाउट 22-25 किसके आने से सॉल्व हुई, विद द कमिंग ऑफ फर्स्ट मिल. कहां पे आई थी फर्स्ट मिल इन इंग्लैंड, हु सेट अप द फर्स्ट मिल इन इंग्लैंड, रिचर्ड ऑकराइट. लर्न दिस नेम, रिचर्ड ऑकराइट established the first mill in England. So yahan pe aapne yaad rakhna, with the coming of this mill, no, there was no need of merchants to move from one place to another, because whole work now was done under one roof. Theek hai, to is way se aapne isko learn karna. Next is iske baad aapka topic aa jata hai why merchants moved towards countryside, then why people of the countryside accepted their offers. Fir aapka aa jata hai next is कंडीशन ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, देयर कंडीशन वाज वेरी पुअर, दे वर होस्टाइल टुवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी, बिकॉज विद द कमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दे लॉस्ट देयर जॉब्स एंड वर्कर्स वर मोर डिमांड वाज लेस. तो इसीलिए भी दे वर रेडी टू वर्क एट लो वेजेस, क्योंकि जिस चीज की डिमांड कम हुए और ज्यादा हुए वो लोग, तो उनको इंडस्ट्रियलिस्ट कम पे करते थे. तो वर्कर्स वर रेडी टू वर्क एट लो वेजेस, एक तो आपने ये भी याद रखना है. ठीक है, तो नेक्स्ट वर्कर्स वर होस्टाइल टुवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी,
तो इसमें आपको एक तो स्पिनिंग जेनी हु डिवाइस स्पिनिंग जेनी जेम्स हार्ग्रेव्स इन विच ईयर 1764। स्पिनिंग जेनी वाज डिवाइस बाय जेम्स हार्ग्रेव्स इन 1764, ये आपको याद रखना है। तो वुमेन वर्कर्स अटैक द न्यू टेक्नोलॉजी बिकॉज अर्लियर दे डिड स्पिनिंग बाय हैंड। इसमें एक आपको सूरत पोर्ट, इंडियन पोर्ट लर्न करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछूं के आउट ऑफ दीज विच ऑप्शन इज करेक्ट, मैं आपको ऊपर लिखूं के आइडेंटिफाई द इंडियन पोर्ट्स, तो अब मैं आपको ऑप्शंस में दूं, बॉम्बे, कैलकटा, हुगली, मसौली, पटनम। फिर मैं लिखूं कैलकटा, हुगली, मसौली, पटनम एंड मद्रास, हुगली, मसौली, पटनम, सूरत, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड वाली ऑप्शन करेक्ट है, हुगली, मसौली, पटनम, सूरत, हुगली, मसौली, पटनम एंड सूरत। तो अर्लियर द ग्रोस वैल्यू ऑफ ट्रेड को सूरत पोर्ट वाज ₹16 मिलियन, बट विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश इट लेफ्ट ओनली ₹3 मिलियन बिकॉज ब्रिटिश इंट्रोड्यूस देयर न्यू पोर्ट। तो आपको याद रखना है ग्रोस वैल्यू ऑफ ट्रेड फ्रॉम सूरत पोर्ट वाज ₹16 मिलियन, बट विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश इट लेफ्ट ओनली ₹3 मिलियन। तो बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश विच वॉज द बिजिएस्ट पोर्ट, सूरत पोर्ट, एंड विच पोर्ट डिक्लाइंड विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, सूरत पोर्ट। किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आए तो यू हैव टू लर्न ग्रोस वैल्यू, पूछ सकते हैं बिजिएस्ट पोर्ट बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश एंड विच पोर्ट गॉट डिक्लाइंड विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, कुछ भी आए आंसर इज सूरत। तो एक आपको पूछा जा सकता है कि किस चीज की ब्रिटेन में ज्यादा डिमांड थी, इंडियन कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, इट वॉज अ फाइनर वेराइटी। कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल ने बोला था कि डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वुड नेवर गो डाउन, हेनरी पेटुलो, हु वाज हेनरी पेटुलो, ही वाज एन ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इन 1772 ही सेड दैट डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वुड नेवर गो डाउन, बट वो डिमांड डाउन गई थी, यू नो इट वेरी वेल। क्यों डाउन गई, क्योंकि वो लो क्वालिटी का हो गया था। नो, क्यों डिमांड डाउन गई, क्योंकि इंडिया ने वीवर्स, इंडिया के वीवर्स ने क्लोथ बनाना बंद किया। नो, व्हाई डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल ज्योति दैट गोन डाउन, तो आपने बताना है कि कस्टम ड्यूटीज अब उन्हें पे करनी होती है। तो विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में, अब अपनी कंट्री में उनके क्लोथ बनना शुरू हुआ, दैट्स वाई दे प्रमोटेड द गवर्नमेंट प्रमोटेड द इंडस्ट्रीज ऑफ देयर कंट्री एंड दैट्स वाई दे पुट इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। So weavers had to pay custom duties while carrying their cloth to Britain. So the demand of Indian cotton textile जो थी वो down चली गई। किसकी demand up गई with the coming of industrialization in Britain? One more question. तो आपने बताना है raw cotton की demand बढ़ गई, ठीक है? Indian cotton textile की demand down गई, raw cotton की demand बढ़ गई। For example, पहले Indian cotton textile जो थी वो 33% थी, वो रह गई 3%। रॉ कॉटन जो थी अर्लियर इट वॉज 5%, नो इट रीच टू 35%। इस वे से लर्न करोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू। तो रॉ कॉटन की डिमांड बढ़ी, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड डाउन चली गई। तो अब आपको यहाँ पे इस लेसन में एक और भी चीज लर्न करनी है, इंडस्ट्रियलिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में आप बताओगे फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, आप बताओगे जमशेद जी नुसरवंजी टाटा। Who is known as father of Indian industry? Jamshed ji Nusarwanji Tata. फिर आपको पूछा जा सकता है who set up first jute mill in India? तो सेठ हुकमचंद, सेठ हुकमचंद set up the first jute mill in India. एक तो आपको इस चैप्टर में ये भी लर्न करना है, ठीक है? नेक्स्ट इज who were गोमास्थास? गोमास्थास जो थे दे वर प्री पेड सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। गोमास्तास के क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थे विद द पीपल, विद द वीवर्स और विद द पीपल ऑफ द विलेज एरिया? नो, दे हैड नो सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद द पीपल। व्हेन दे विजिटेड द विलेजेस दे विजिटेड विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड दे गेव स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स टू द वीवर्स हु डिलेड इन देयर वर्क। हु गेव एडवांस मनी टू द वीवर्स टू वीव क्लोथ? गोमास्तास। ईस्ट इंडिया कंपनी पेड मनी टू गोमास्तास एंड गोमास्तास देन पेड दैट मनी टू वीवर्स and in return weavers had to sell their cloth only to the agents of East India Company at low rates. तो इस वजह से आपको इसको भी याद करना है। जॉबर कौन था?
person who recruited workers to the industries. Who was jobber? Person who recruited workers who moved from village to village. जो कि विलेज टू विलेज जाता था एंड वर्कर्स को हायर करता था एंड देन ही रिक्रूटेड द वर्कर्स इन द इंडस्ट्रीज एंड ही गोट टू कमीशन फ्रॉम टू साइड्स फर्स्टली फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड देन फ्रॉम द वर्कर्स हुम ही रिक्रूटेड टू द इंडस्ट्री. तो इस वजह से जॉबर वो लोग होते थे हु मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज. अब वर्कर्स कहाँ से आते थे? फ्रॉम द नियर बाई एरियाज. नियर बाई एरिया से वर्कर्स काम करने आते थे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप बताओ कि अगर बॉम्बे में थे तो रत्नागिरी से आते थे. वर्कर्स इन बॉम्बे केम फ्रॉम द नियर बाई डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी. रत्नागिरी क्योंकि नाम दिया हुआ है तो दे कैन आस्क. इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट इज फर्स्ट वर्ल्ड वार के ईयर पूछे जा सकते हैं बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वार का टॉपिक दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी इन इंडिया वहाँ पे वर्क की आप कह सकते हो इंडियन इंडस्ट्रीज में डिमांड बढ़ गई गुड्स की. तो इंडियन इंडस्ट्रीज में उन्होंने वर्कर्स को हायर किया. बट आफ्टर द वार ये जो इंडस्ट्रीज थी ये डाउन चली गई. वर्क इन इंडस्ट्रीज डाउन चला गया बिकॉज वार रिलेटेड गुड्स अब नहीं बननी थी. ठीक है, तो इंडस्ट्रीज जो थी आफ्टर द वार इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम्स आई. वर्क नहीं थे आफ्टर द वार. No works in the industries. एक तो ये आपको पूछा जा सकता है. तो next is how producers expanded their markets. Producers ने अपनी markets को कैसे expand किया. तो यहाँ पे आपको याद रखना है आपको options में पूछा जा सकता है by selling their goods at cheap rate. है ना, तो इस वजह से तो आपने यहाँ पे ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट स्कोप देयर प्रोडक्ट्स. प्रोड्यूसर्स एक्सपेंडेड देयर मार्केट्स बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट स्कोप देयर प्रोडक्ट्स. तो इस वजह से आप ये सारा बताओगे. तो नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर की आपको थोरो रीडिंग करनी है. देन यू कैन डू. आपको ये भी पूछा जा सकता है स्टीम इंजन जेम्स वट ने उसे इम्प्रूव किया था. That was produced by his industrialist friend Newcomen and James Watt ने उसे improve किया in 1781. फिर आपने बताना है कि there were ये पूछा जा सकता है how many steam engines were there in England. तो आपने बताना है 321. How many work in cotton industry? 80. Wool के लिए आप 9 बताओगे. बस ये number learn रखना है 80. Rest जो थे वो mining and canal work ऐसे वहाँ पे काम करते थे. So in this way you can give answer. First industry to be set up in Britain that was cotton textile. It was followed by iron and steel industry. First industry to be set up in Britain that was cotton and steel industry. And it was followed by iron and steel industry. बाद में building industry भी आई थी. With the coming of building industry workers की condition कुछ improve हुई थी because they got jobs of different kinds such as roads were to be built, so embankments were to be made, bridges were made. So workers को तब job मिलनी शुरू हुई थी with the coming of building industry. तो इस वजह से आप ये याद रखोगे building industry का by 1840 in 1840 में क्या आई building industry. With the coming of building industry आप कहोगे कि condition of workers जो थी वो improve होनी शुरू हो गई थी. ठीक है, हेनरी पटूलो आपको याद रखना है, सूरत कोट याद रखना है. तो इस वजह से यही क्वेश्चन इस लेसन में से 1 मार्क बनते हैं. तो आपको थोरो रीडिंग करनी है इसकी. नेक्स्ट अब आ जाओ यूरोप. यूरोप के सिर्फ मैं आज ईयर्स लर्न करवाऊंगी, ओनली ईयर्स, क्योंकि ईयर्स ही टफ होते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेडरिक सूर्यो के फोर्थ प्रिंस 1848. फिर आपको नेपोलियन बिकम द रूलर इन 1804. अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, आपको अगर पेपर में कुछ ऑप्शंस आ जाएं, फॉर एग्जांपल आपको ऐसे पूछा जाए, मैं अभी मेरे सामने शांतनु बैठा है तो मैं बोल रही हूँ, शांतनु इज गेटिंग कंफ्यूज्ड इन ऑर्डरिंग द इवेंट्स गिवन बिलो. एज सोशल साइंस एक्सपर्ट यू हेल्प शांतनु टू प्लेस द ऑल द इवेंट्स इन ऑर्डर्स. ठीक है,
तो आपने जो आपको ऑर्डर्स दिया होगा ना, आपको उनको सीरियल ऑर्डर में लेके आना। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बोलूं, अभी मैं ये लिख के कर सकते हैं इसको, बोल के तो मैं करवा, इधर रखो जैसे ऐसे आ जाए, यूनिफिकेशन हो जर्मनी, यर्स ही दिए उन्हें, फिर आ जाए यूनिफिकेशन हो इटली, नेक्स्ट आ जाए बल्कन प्रॉब्लम, नेक्स्ट आपको आ जाए नेपोलियनिक फूड, प्लेस देम इन राइट ऑर्डर। नंबर वन पे क्या आना चाहिए? एक मिनट, ऐसे लिख दिया मैंने, वेट वेट वेट, जैसे मैं ये लिख रही हूँ, आपको ऐसे पूछा होगा, आपने इसमें से कुछ नहीं करना। चलो अब आप करवाओ, बी ऑप्शन में हम करेक्ट लिखते हैं। बताओ फर्स्ट फर्स्ट बताओ क्या, कौन सा इवेंट पहले आना है? अरे आप इधर से अगर कोई हैंड्स अप करना चाहता है तो आप भी कर सकते हो, जल्दी बताओ। फर्स्ट फर्स्ट वेरी गुड, नेपोलियनिक फूड। नेक्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ, गुड गुड, फिर जर्मनी, फिर तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। मीन्स यहां पे भी लिखा आएगा, जैसे यहां पे भी मैं लिख देती हूँ। अब इसमें से बल्कन 19 में जाके हुई है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई इसके बाद, अब आप वो 18 की बातें हैं। अब आप यहाँ पे बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट, अगर आपने अपनी ओएमआर शीट पे लिखना है तो आप क्या लिखोगे? बी। इस वे के क्वेश्चन होंगे, मैथ्स का कॉलम भी ऐसे ही होंगे, आपको ऐसे सीरीज दी होगी, आपने अपनी ऑप्शन करेक्ट चेक करनी है बस। मीन्स आपने एक वर्ड लिखना है, एक ऑप्शन लिखनी है, आपको कोई वहां पे सीरियल ऑर्डर चेंज नहीं करने। तो इस वे से भी आपको अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, ठीक है? नेक्स्ट अब आ जाओ आप, नेक्स्ट टॉपिक इज 1804 में नेपोलियन बिकेम द रूलर एंड ही अर्लियर ही वाज मिलिट्री डिक्टेटर। यस जसलीन का एंड अप है जसलीन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैम जो पल्कन प्रॉब्लम है उसका ईयर क्या है? बट नो ईयर इज गिवन ना, बट दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। एंड हम खुद ही कहते हैं आफ्टर दिस डिस्कस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914, तो ये यूनिफिकेशंस तो हुई है 1871 एंड 1871, ठीक है ना? यस। तो अब बताओ आप, यस करें इयर्स, इयर्स 1804 नेपोलियन, 1815 टीटीओ वियना। अगर ये इयर्स दिमाग में होंगे ना आपके, तो आप सीरीज को बिल्कुल करेक्ट लिख लोगे, 1815 टीटीओ वियना। फिर आपको आ जाता है जैसे उसके आ जाते हैं, हम सिर्फ इयर्स करेंगे, उसके बाद आ जाता है जैसे 1830 के लिबरल रिवोल्ट, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको अगर इसका ईयर पता है तो आप सीरीज में लाना, आपको एक मिनट लगेगा। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस का ईयर है 1832, या डिक्लेरेशन ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस बाय ग्रीस, तो वो तो है 1821। डिक्लेयर कब की थी? 1821। ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का ईयर आपके दिमाग में होगा, तो यू कैन पुट दैट इन करेक्ट ऑर्डर, 1832, ठीक है? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832। लॉर्ड बायरन की डेथ 1824, ठीक है? डेथ ऑफ लॉर्ड बायरन 1824। तो इसके बाद आपके आ जाते हैं जैसे लुइस फिलिप बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, तो वो भी 1830 है। इज इट क्लियर? लुइस फिलिप बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ फ्रांस 1830, या लिबरल रिवोल्ट इन फ्रांस 1830। फिर आपको आ सकता है जैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, तो आपको ये डेट और ईयर दोनों पता है, 18 मई 1848। तो इसके बाद आपका आ जाता है जैसे यूनिफिकेशंस आती हैं, तो यूनिफिकेशंस के भी आपको ईयर्स पता है, इटली 1861, जर्मनी 1871।
उसके बाद आपको यूके का पूछा जा सकता है, जैसे स्कॉटलैंड बिकेम द सबॉर्डिनेट पार्टनर ऑफ यूके, तो आपको एक्ट दे के पूछा जा सकता है, यू नो इट वेरी वेल, बाय एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बाय दिस एक्ट स्कॉटलैंड बिकेम द सबॉर्डिनेट पार्टनर ऑफ यूके, बाय द एक्ट ऑफ यूनियन 1801 आयरलैंड बिकेम द सबॉर्डिनेट पार्टनर ऑफ यूके। तो इस वे से आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे मैंने इस वे से लर्न करवाया था सेवन स्कॉटलैंड SS, तो इसमें से याद रहेगा, तो आप आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड को तो कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है ना। जैसे हमने उसमें पॉलिटिकल साइंस में सिविक्स में किया था वेलोनिया एंड फ्लेमिश रीजन, तो मैंने कहा था एफ एफ इकट्ठे नहीं आने, मीन्स फ्रेंच जो है वो वेलोनिया में और जो डच है वो फ्लेमिश में। तो इस वजह से किए हुए क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होते, बट कंफ्यूज जरूर करते हैं। तो लर्न लाइक दिस, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 स्कॉटलैंड, एक्ट ऑफ यूनियन 1801 आयरलैंड। तो अगर इस फिर आपकी आ जाती है एलेगरीज, एलेगरीज हम खुद ही कहते हैं 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट लेके आए थे एलेगरीज। तो फिर एलेगरीज में आपको जर्मेनिया और मैरियन अगर आता है तो इतना ध्यान रखना कि 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट लेके आए थे जर्मेनिया एंड मैरियन। तो या फिर आपको अगर सीरियल ऑर्डर में देंगे ना कुछ भी सेटअप करना, तो वो इवेंट्स देंगे, इवेंट्स, जैसे मैं अभी मैंने ये लिखा, अभी मैं फिर बोल दूं, जैसे मैं बोलूं ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, बल्कि फिर मैं बोलूं एक्ट ऑफ यूनियन बाय विच स्कॉटलैंड बिकेम द पार्टनर, तो अब आप अपने आप सोचो, मैंने बोला ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ वियना, एक्ट ऑफ यूनियन बाय विच स्कॉटलैंड बिकेम द पार्टनर। अब आपको पता है स्कॉटलैंड तो 1707 में बना, तो पहले क्या आएगा, स्कॉटलैंड, फिर आएगा ट्रीटी ऑफ वियना क्योंकि वो 1815 है, फिर आएगी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बिकॉज दैट इज 1832। अगर ये कंफ्यूजन हो गई, ईयर्स नहीं पता होंगे तो आपको सीरियल ऑर्डर में लिखना नहीं आएगा। तो लर्न द ईयर्स आल्सो, फॉर एग्जांपल मैं उधर से दूं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आपको जैसे पूछा जाए फर्स्ट कमिंग ऑफ फैक्ट्री इन इंग्लैंड, ठीक है, कमिंग ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंग्लैंड, हेनरी पेटूलो, व्यूज ऑफ हेनरी पेटूलो, ठीक है, हमने अभी किया 1772, 1772, तो आपको एक मिनट में पता चलेगा कि पहले वही आना है, कमिंग ऑफ द फैक्ट्री इन इंग्लैंड, या फिर जेम्स वाट डिवाइस स्टीम इंजन 1764, पता है ना, ये ईयर्स पता होंगे तो यू कैन डू 1764, जेम्स वाट डिवाइस द स्टीम इंजन, या फिर जेम्स वाट इम्प्रूव द स्टीम इंजन, जेम्स वाट का, जेम्स वाट इम्प्रूव द स्टीम इंजन प्रिपेयर्ड बाय हिज इंडस्ट्रियस फ्रेंड 1760, जेम्स वाट का पूछा मैंने, एक मिनट एक मिनट, आप बताओ पहले, जेम्स हारग्रेव्स, इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं ये बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं, जेम्स हारग्रेव्स का आपने बताना है 1764, जेम्स हारग्रेव्स की स्पिनिंग जर्नी है 1764, स्टीम इंजन नहीं है उसका, जेम्स वट का मैं पूछ रही हूँ, जेम्स वट स्टीम इंजन, हाँ जी, जेम्स वट स्टीम इंजन इंप्रूव द स्टीम इंजन दैट वाज आप कह सकते हो प्रोड्यूस्ड बाय हिज इंडस्ट्रियस फ्रेंड। तो इसमें आप क्या बताओगे 1761, तो इस वे से लर्न करोगे तो आपको सीरीज में लिखना आएगा, इट मींस जेम्स वट पहले आना है, जेम्स हार्ग्रीव्स बाद में आना है, फिर आप बाकी देख लेना, आपके इयर्स के अकॉर्डिंग सेटअप होने चाहिए। फर्स्ट फैक्ट्री अगर आती है तो 1730, वो तो फिर सबसे ही पहले आएगी, तो अगर इयर्स पता होंगे तो यू कैन डू, अदरवाइज यू कांट डू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट इज, इसके अलावा अजर्शन रीजन, यू नो इट वेरी वेल, आपको बहुत बार प्रैक्टिस करा दी गई है। अब हम करते हैं यूरोप चैप्टर के सिंपल क्वेश्चन, इयर्स आई हैव टोल्ड यू, नाउ कम टू द अगेन टू द फर्स्ट टॉपिक, फोर प्रिंट्स ऑफ फ्रेडरिक सोरियो, यहाँ पे आपको जर्मनी के फ्लैग के कलर पता होने चाहिए, फ्रेटर्निटी का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, लीडिंग द प्रोसेशन जो फर्स्ट कंट्रीज थी वो कंट्रीज पता होनी चाहिए, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। फिर आपको यूनिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, हु डिड द यूनिफिकेशन वर्क ऑफ इटली, हु डिड द यूनिफिकेशन वर्क ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो मेन जो, जैसे मैं बोलूँ यूनिफिकेशन वर्क ऑफ इटली वॉज डन बाय बिस्मार्क और कैबूर, कैवूर, हु इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इटली, किसको बिस्मार्क ऑफ इटली कहा गया, काउंट कैवूर को बोला गया। अगर मैं रूलर्स के बारे में पूछूं कि
He was the ruler of Prussia during that unification of Germany. He was the ruler of Prussia. पूछा मैंने तो William I. And who was the ruler of Prussia during the Frankfurt Parliament? Wilhelm IV. Wilhelm IV की death हुई तो William I आया. ठीक है फिर मैं पूछू who was the ruler of Sardinia Piedmont during the treaty of during the unification of Italy? Victor Emmanuel II. Who became the emperor of whole Italy after its unification? Victor Emmanuel II. Which kind of government was established? किसी में भी पूछा जाए इटली या फिर जर्मनी तो आपको याद है मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बोथ आप इटली और जर्मनी के लिए मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लर्न रखो. नेक्स्ट इज इनहैबिटेंट्स ऑफ बाल्कन स्लैब्स आपको वहां के इनहैबिटेंट्स बताने चाहिए. फिर आपको एलेगरीज जर्मेनिया वाज एन जर्मेनिया कहाँ की एलेगरी है जर्मनी. मैरियन इज एन एलेगरी ऑफ फ्रांस. क्या ये दोनों कोई पर्टिकुलर वुमेन थी? नो नो पर्टिकुलर वुमेन ओनली मिथिकल नेम पॉपुलर क्रिश्चियन नेम. ओक इन जर्मनी स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. ओक इन जर्मनी स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म किसने पहना हुआ है? ओक लीव्स द क्राउन. मैरियन और जर्मेनिया जर्मेनिया ने पहना हुआ है क्राउन ऑफ ओक लीव्स बिकॉज इन जर्मनी ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. तो लर्न लाइक दिस एंड साथ में आपके एक ना फ्रांस चैप्टर के फिर आपको वो लर्न करने हैं. फॉर एग्जांपल इन नाइन्थ यू हैव रेड दिस ब्रोकन चेन्स बीइंग फ्री. फिर है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ. क्राउन ऑफ ओक लीव्स हीरोइज्म. स्वॉर्ड रेडीनेस टू फाइट ऑलिव पीस. ब्लैक रेड गोल्ड कलर यू नो इट वेरी वेल कलर ऑफ द फ्लैग ऑफ जर्मनी जो कि बाद में बैन कर दिए गए थे. रेज ऑफ राइजिंग सन बिगनिंग ऑफ न्यू इरा. रेज ऑफ राइजिंग सन बिगनिंग ऑफ न्यू इरा. ब्लैक रेड गोल्ड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स. यू नो इट वेरी वेल ना कि जब फ्रेडरिक सोरियो ने फोर प्रिंट्स लिखे थे तो उसमें जर्मनी के फ्लैग के कलर आपको बताए बाद में ड्यूक्स ने इसे बैन कर दिया था. तो लर्न लाइक दिस ये भी आपने सारा लर्न करना है. इस पेज पे 24 पेज है. मीनिंग ऑफ द सिंबल्स दिए हुए हैं. यू हैव टू लर्न ऑल दीज सिंबल्स.